थोड़ा सा डिफरेंस है। गॉस थ्योरम क्या था? गॉस थ्योरम टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स, ओ सॉरी टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद अ क्लोज सरफेस गिवन बाय सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सरफेस डीएस के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, तो सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर क्लोज सरफेस इज इक्वल टू टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, अगर वो फ्री स्पेस में है तो, और मीडियम में है तो डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन हो जाएगा। वैसे ही यहाँ एम्पियर सर्कुलर लॉ है, इसी का कंपेरिबल है। दिस इज गॉस थ्योरम। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद अ क्लोज सरफेस गिवन बाय सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1 by epsilon naught टाइम्स द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय क्लोज्ड सरफेस। ये गॉस थ्योरम है। अब इस गॉस थ्योरम का इक्विवेलेंट है मैग्नेटिक में एम्पियर सर्कुलर लॉ। एम्पियर सर्कुलर लॉ बिल्कुल इलेक्ट्रिक फ्लक्स का इक्विवेलेंस हो जाएगा मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या है देखो ध्यान से, क्या है, मैं सिर्फ फॉर्मूला लिख रहा हूं, डेफिनेशन आपकी उसमें लिखी हुई है। मैग्नेटिक फ्लक्स, फ्लक्स के लिए हम फाई रिप्रेजेंट करते हैं, फ्लक्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए ई लिखा था, फ्लक्स मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए बी लिखेंगे, फाई बी टोटल। ठीक है, यहां टोटल चार्ज था तो यहां आ जाएगी टोटल करंट 1 by epsilon naught times 1 by mu naught times, जो काम करता है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए एप्साइलन नॉट, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, वही काम करता है मैग्नेटिक फील्ड के लिए म्यू नॉट, मैग्नेटिक परमेबिलिटी। ठीक है, यहां क्या बनता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटीग्रेशन किया था तो अब इंटीग्रेशन किसका होगा, इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। बस एक डिफरेंस आ गया यहां पर, एक डिफरेंस आ गया, दिस इज द सरफेस इंटीग्रल, दिस इज द सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज द सरफेस इंटीग्रल ओवर द एंटायर सरफेस, ओवर द क्लोज सरफेस, हेयर लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर क्लोज्ड लूप। अब यहां जो वर्ड लूप आएगा ये अब आपको कंफ्यूज कर सकता है। लूप हम दो जगह यूज करेंगे, सेम वर्ड लूप दो जगह यूज करेंगे। एक तो लूप अब तक हम यूज कर रहे थे, किसके लिए यूज कर रहे थे, अब तक हम लूप यूज कर रहे थे करंट कैरिंग लूप के लिए, जो जिसमें करंट चल रहा है, करंट कैरिंग लूप है, इसके लिए हम वर्ड यूज कर रहे थे लूप। अब एक लूप हमें और लेना पड़ेगा, एक लूप हम वर्ड यूज करेंगे किसके लिए, जैसा यहाँ गॉसियन सरफेस बनाया था वैसा ही यहां हम बनाएंगे क्या, एम्पीरियन लूप। क्या बनाएंगे, एम्पीरियन लूप, और नेसेसरीली इट इज ए क्लोज्ड लूप। जैसे सरफेस क्लोज थी ऐसे ही ये एम्पीरियन लूप क्लोज है। बस ये सरफेस थी, ये लाइन है तो लाइन इंटीग्रल आ गया, वहां सरफेस थी तो सरफेस इंटीग्रल था। याद कीजिए हमने कहा था कि इस सरफेस की, जिस सरफेस के ऊपर आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं, इसकी शेप से कोई मैटर नहीं है, इसका शेप से स्फेरिकल भी हो सकती है, सिमेट्रिकल भी हो सकती है, नॉन सिमेट्रिकल भी हो सकती है। तो ऐसे ही सिमिलरली यहाँ क्लोज लूप है, लूप की शेप से कोई मतलब नहीं है। ये आपका जो लूप है एम्पीरियन लूप, जिसे आप कहेंगे एम्पीरियन लूप, ये आपका सर्कुलर भी हो सकता है, स्क्वायर शेप का भी हो सकता है, एंड रेक्टेंगल शेप का भी हो सकता है, सर्कुलर भी हो सकता है, स्क्वायर शेप का भी हो सकता है, और
रेक्टेंगुलर शेप का भी हो सकता है, किसी भी शेप का हो सकता है या इररेगुलर शेप का भी हो सकता है, लेकिन सिंपल सी बात है होना कैसा है, इसको क्लोज्ड लूप होना है, क्लोज लूप होना है, तब आप इसे कहेंगे एम्पीरियन लूप। तो क्या बना आपका एम्पियर सर्किटल लॉ, क्या बना, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद अ क्लोज्ड लूप, टोटल ये टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद अ क्लोज सरफेस, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद अ क्लोज लूप इज इक्वल्स टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर द क्लोज सरफेस इज इक्वल्स टू लाइन लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर द क्लोज लूप इज इक्वल्स टू 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज एनक्लोज इन द सरफेस इज इक्वल्स टू 1/μ0 टाइम्स द टोटल करंट पासिंग थ्रू द लूप एम्पीरियन लूप, जिसे हमने एम्पीयर लूप कहा था। यहाँ टोटल चार्ज कौन सा था, टोटल चार्ज एनक्लोज इनसाइड गॉशियन सरफेस, दिस इज द टोटल करंट पासिंग थ्रू द एम्पीरियन लूप, टोटल करंट पासिंग थ्रू एम्पीयर लूप। ये जो आई टोटल है, इसके लिए दो तीन वर्ड हम यूज करते हैं, ये जो आई टोटल है इट इज वॉट, टोटल करंट पासिंग, पासिंग वर्ड भी यूज करते हैं, पासिंग के साथ एक वर्ड और यूज किया जाता है थ्रेडिंग, थ्रेडिंग विद द लूप, टोटल करंट पासिंग और टोटल करंट थ्रेडिंग विद द लूप। क्लियर है इतनी बात? अच्छा यह ध्यान दीजिए कि एम्पियर्स, ये सॉरी गॉस थ्योरम, गॉसियस लॉ किस काम के लिए यूज किया था, गॉसियस थ्योरम हम क्यों यूज कर रहे थे, क्या फायदा था गॉस थ्योरम को पूरा का पूरा समझने का, सीखने का? तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करने के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए, सर इलेक्ट्रिक फ्लक्स कह रहा सर, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड राइट, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए हमने यूज किया था गॉस थ्योरम। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कहीं कोई पॉइंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उसका हम निकाल सकते थे, लेकिन कहीं टू डायमेंशनल अलोंग द लाइन या थ्री डायमेंशनल ऑन द सरफेस ऑफ ए स्पीयर या कोई कॉम्प्लेक्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज था टू डायमेंशनल थ्री डायमेंशनल, तब उसका इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए गॉस थ्योरम यूज किया था हमने। बिल्कुल एग्जैक्टली सेम एम्पियर सर्क्यूटल लॉ हम किसके लिए यूज करेंगे, किसके लिए, क्या फाइंड करने के लिए यूज करेंगे एम्पियर सर्क्यूटल लॉ, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, बिल्कुल सही मैग्नेटिक फील्ड, जैसे कि अब तक मैग्नेटिक फील्ड हम फाइंड कर रहे थे, ये मैग्नेटिक फील्ड हमने फाइंड किया था, ये कॉयल का मैग्नेटिक फील्ड फाइंड किया था सारा का सारा। तो ये हमारे पास जो स्ट्रक्चर थे थोड़े सिंप्लीफाइड थे, लेकिन जब कॉम्प्लेक्स करंट आ जाएगी हमारे पास, करंट की डायरेक्शन अजीबो गरीब होगी, हम जिसे हम सिंपल एक लूप नहीं ले सकते, एक सिंगल सिंगल करंट नहीं ले सकते, तब उस कॉम्प्लेक्स करंट के लिए, कॉम्प्लेक्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट के लिए मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, तब हम यूज करेंगे एम्पियर सर्क्यूटल लॉ। एम्पियर सर्क्यूटल लॉ सिंपल है बिल्कुल, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद अ क्लोज्ड लूप, बस लूप है यहाँ पर, लाइन से बना हुआ लूप है, गिवन बाय लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर द क्लोज लूप इज इक्वल टू 1/μ0 टाइम्स द टोटल करंट पासिंग थ्रू द लूप इन फ्री स्पेस, क्योंकि जब भी हम म्यू नॉट लिखते हैं तो फ्री स्पेस लिखना पड़ेगा, जब हम एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं तो फ्री स्पेस भी हमें मेंशन करना पड़ता है। एम्पीरियन लूप क्या है, एक क्लोज लूप है, जिस लूप से वो करंट पास हो रही है जो करंट हम कंसीडर करेंगे यहाँ, टोटल करंट का मतलब दिस इज टोटल द करंट पासिंग थ्रू द एम्पीरियन लूप, जिस लूप को हमने कंसिडर किया उससे पास होने वाली करंट, उसके बाहर से जाने वाली, उसके आसपास से जाने वाली करंट से हमें कोई मतलब नहीं होगा। जैसे कि यहाँ टोटल चार्ज कौन सा था, द चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस, जो चार्ज गॉसियन सरफेस के बाहर आ गया था उसे हमें गॉस थ्योरम में कंसिडर नहीं करना था। ऐसे ही कोई करंट अगर हमारे कंसिडर्ड एम्पीरियन लूप के बाहर जा रही है तो हमें उससे कोई मतलब नहीं, ये कौन सी करंट है, करंट थ्रू द एम्पीरियन लूप। क्लियर हुई बात इतनी?
टोटल करंट पासिंग या थ्रेडिंग, थ्रेडिंग भी वर्ड हम यूज कर सकते हैं विद द एम्पीरियन लूप, ठीक है। कल हम इसको ड्राइव करेंगे पहले ये कैसे फाइंड हुआ फॉर्मूला, और फिर इस फॉर्मूले को यूज करके हम अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे।